गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 41 से कांग्रेस सीनियर लीडर जनाब अब्दुल रजाक बिदरी के साथ तमाम मोहल्ले के नौजवान और बुजुर्गों ने अब्दुल रजाक बिदरी के अहलिया के लिए कॉरपोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए डेलीगेशन लेकर नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा और शरण प्रकाश पाटिल के घर पहुंचकर टिकट की मांग करते नजर आए हैं। अब्दुल रजाक बिदरी ने रैली की शक्ल में अपने सपोर्टर्स के साथ टिकट की मांग करते हुए कहा, पिछले 30 सालों से ये कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जानिब से अब तक अब्दुल रजाक बिदरी को 4 मरतबा कॉरपोरेशन में टिकट देने का भरोसा दिलाकर आखिर में मायूस किया गया है, लेकिन इस बार अब्दुल रजाक बिदरी वार्ड नंबर 41 से अपनी अहलिया के लिए कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। मोहल्ले के जिम्मेदारों के साथ अब्दुल रजाक बिदरी ने नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा और शरण प्रकाश पाटिल से मुलाकात कर कहा, इस बार वार्ड नंबर 41 से टिकट देने का तयक्कुन दिया गया है। अब्दुल बिदरी है, मैं जनाब रजाक बिदरी साहब का छोटा भाई हूं। मैं एमएस मिल का रहने वाला हूं, मैं वहीं का वोटर हूं और मेरे भाई की तायद के लिए मैं यहां पर आया हूं। मैडम कनीस फातिमा से अभी मुलाकात हुई, मोहतरमा ने हमें ये इस बात की कोशिश कराई है, पूरी गारंटी भी दिलाई है कि इंशाल्लाह वो सीट हमें देंगे और इस चीज़ का हम भरपूर इस्तेमाल करना चाहेंगे लोगों की खिदमत के लिए, क्योंकि आपका 30 साल कांग्रेस पार्टी में हमेशा से जो है ना उनका काम रहा है, उनका सपोर्ट रहा है, 30 साल से कांग्रेस पार्टी के लॉयल रह चुके हैं और कमर साहब की तायद के, कमर साहब की गाइडेंस के अंदर आपने बहुत अच्छे से काम किए हैं। आपके काम से खुश होकर आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मेंबरशिप भी मिली थी इनको, तो ये सारे टाइम का जो आज उनको मौका मिला है वार्ड नंबर 41 अल्लामा इकबाल कॉलोनी, हुसैनी गार्डन, मिसबा नगर और जफराबाद का, ये मौके से हम वहाँ की जनता के साथ उनके साथ काम करके उनके जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी उनके साथ हमारा तालमेल रहेगा इंशाल्लाह हम वहाँ पे बना के रखेंगे। और वो कांग्रेस की सीट हमारे लिए इसलिए मखसूस है क्योंकि आज पूरे मुल्क के हालात को देखते हुए एक बात समझ में आती है कि अगर हम कांग्रेस पार्टी की ताकत बनेंगे तो इंशाल्लाह सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी बैठी हुई है उसको हिला सकेंगे, और अगर कोई दूसरी पार्टी है तो हमारे उसके लिए ना है। आप हम तमाम से यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपना कीमती वोट जनाब अब्दुल रजाक बिदरी के हक में दें और एक सही नेता चुनें और आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में एक ऐसा नुमाइंदा बिठाएं जहाँ पे आपके शहर के सारे काम आसान हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मैं मोहतरमा कनीस फातिमा साहब के पास मेरा मेमोरेंडम लेके आया हूँ वार्ड नंबर 41 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, लिहाजा जो है कनीस फातिमा मैडम भी जो है मुझे जो है आश्वासन दिए हैं जो है मुझे इलेक्शन जो है टिकट देने का, और जो है मैं सिंस 30 ईयर से जो है खमरुल इस्लाम साहब के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे 4 बार तक जो है मुझे सीट नहीं मिली, एंडिंग तक लेके जाना फिर लाके जो है मुझे जो है फिर जो है ड्रॉप कर देना, लिहाजा जो है इस बार जो है फिर मौका मिला सो है जो है एमएस की मिल इकबाल कॉलोनी से जो है मैं जो है मेरे अहलिया को जो है ठहराना चाह रहा हूँ वार्ड नंबर 41 से, और जो है मेरे को जो है लोगों का कोऑपरेट है और साथ ही साथ जो है मुझे मैं जो है सोशल एक्टिविटीज़ में हूँ, ऑलरेडी मेरे जो है एमएस की मिल में 2 स्कूल्स हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मुझे जो है अगर ये सीट मिल गई बोले तो मैं जो है इंशाल्लाह जीतने की पूरी कोशिश करूँगा।